नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा, कि ओवर ट्रेडिंग पर। जी हां, हम बात करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग पर। बोलना बहुत ही आसान है, ओवर ट्रेडिंग। जी हाँ, ओवर ट्रेडिंग मतलब कि अपनी क्षमता से अधिक ट्रेड करना ही ओवर ट्रेडिंग कहा जाता है। अब आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो करोड़ रुपया कमाते हैं स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग करके, जो लाखों रुपया कमाते हैं ऑप्शन बाइंग करके, वो कितना ट्रेड करते होंगे दिन में? जरा अगर आपके पास कुछ अनुमान है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कितना ट्रेड करते होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। तो स्कैल्पिंग में वो कितना टाइम्स करते होंगे? स्कैल्पिंग मुश्किल से करते होंगे 5, 6, 10 या 8 टाइम या 10 टाइम मैक्सिमम तो 10 टाइम्स ऑर्डर लगाते होंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाते होंगे। लेकिन आपको बता दूं फ्रेंड्स कि न्यू ट्रेडर आते हैं इस मार्केट में और उनका कैपिटल होता है 8 से 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार आता है, और वो ऑप्शन बाइंग में आते हैं, तो उनका ट्रेड जब आपसे शेयर करेंगे तो आप शॉक्ड रह जाइएगा, या खुद जब खुद नए ट्रेडर होंगे इस मार्केट में आप उतरे होंगे तो खुद आप फील किए होंगे कि कितना ट्रेड आप लेते होंगे। मतलब दोस्तों कि आप अपने क्षमता से ज्यादा जब भी ट्रेड लेते हैं तो उसी को ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। और ओवर ट्रेडिंग से बचना ये कोई साइंस नहीं है, एक कला नहीं है, कह लें ये बहुत बड़ा अपने आप में कल ये संकल्प है। बिना संकल्प के ये पॉसिबल है ही नहीं, बिना संकल्प के आप ओवर ट्रेडिंग से बच ही नहीं सकते हैं। मैंने खुद इस चीज पे इम्प्लीमेंट किया, देखा, मैं हर दिन माँ कसम, बाप कसम, भगवान कसम और पता नहीं किस किस कसम को मैं खाता था, और फिर नेक्स्ट डे वही स्टार्ट हो जाया करता था। और ये सब आएगा दोस्तों आपके खुद का एक्सपीरियंस से, और ये एक्सपीरियंस गेन करने में आपको 2 से 3 साल जरूर टाइम समय लग जाएगा, क्योंकि हर ट्रेडर का यही शुरू शुरू में रोना होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। इसके आप बावजूद भी उसके मन में हर दिन ख्याल आता है कि आज हम ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। 9:15 से पहले उसके दिमाग में यही रहता है कि आज हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और सटीक और एग्जैक्ट जगह पे एंट्री मिलेगा वही एंट्री करेंगे, और उसका लिमिट होता है 5 से 1000, लिमिट होता है कि 500 या 1000 रुपया लॉस करेंगे या प्रॉफिट करेंगे, उसके बाद मार्केट से निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे उसको सडनली 500 प्रॉफिट हो जाता है और वो अपना ऑर्डर एग्जिट हो जाता, लेकिन उसके मन में और लालच पैदा हो जाता कि आज चलो 500 रुपया हो गया, चलो और एंट्री करते हैं, और फिर वो एंट्री लेता है और सेकंड में भी उसको प्रॉफिट हो जाता है, यानी उसके पास 1000 रुपया आ गया। अब उसके माइंड में ख्याल आता है कि अरे आज तो 1000 रुपया इनकम हो गया, यानी मार्केट उसके फेवर में है, और फिर वो एंट्री लेने लगता है। अब जैसे ही एंट्री लेता है तो वहां पे उसके पैनल पे 1000 रुपया प्रॉफिट शो कर रहा था, वहां पे उसका 400 रुपया प्रॉफिट शो होने लगता है और 600 का वहां पे लॉस हो जाता है। अब उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि अरे यार 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, दोबारा जैसे ही 1000 रुपया आएगा हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, और उतना आज के लिए काफी है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में फिर एंट्री लेता फ्रेंड्स, जहां पे उसके अकाउंट में 400 प्रॉफिट शो हो रहा था, वहां पे 400 रुपया माइनस में शो होने लगता है। इसी समय उसका माइंड बिगड़ जाता है, साइकोलॉजी बिगड़ जाता है, और उसका डिसीजन बिगड़ जाता है, क्योंकि उसको ये बात लगता ही नहीं है कि अभी 400 माइनस में है, ये 4000 भी माइनस में हो सकता है। वहीं पे नहीं रुकता है वो, जहां पे एंट्री पे एंट्री लेते रहता था। पहले क्या था उसका माइंड में था कि एक जगह फाइंड आउट करेंगे जहां पे एंट्री लेना है, और एक जगह फाइंड करेंगे जहां पे एग्जिस्ट करना है, मतलब ऐसा सिचुएशन बनेगा जहां पे हम एंट्री लेंगे और ऐसा सिचुएशन बनेगा जहां पे एग्जिस्ट होंगे, 5 से 1000 रुपया मिलेगा, हम एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन यहां पे उसके अकाउंट में 400 रुपया माइनस करता है, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फिर उसको ऐसा लगता है, उसके माइंड में ऐसा लगने लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से मार्केट नीचे जाएगा, और हर कैंडल पे वो एंट्री लेने लगता है, और अंततः गतवा वो 400 रुपया माइनस से 1600 रुपया माइनस में चला जाता है, और तब तक उसका ट्रेड करीब 40 से 50 ट्रेड हो जाता है। अब फ्रेंड्स, चूंकि वो एक लोड से काम करता है, जहां पे उसका कैपिटल 8 या 10 हजार रुपया था, वहां पे उसका कैपिटल माइनस में 1600 होने लगता है, और उसके पास फंड बन जाता है 8000 रुपया के करीब। अब 1600 रिकवरी करने के लिए एक लोड से उसके पास कितना पॉइंट चाहिए फ्रेंड्स, ये हम समझ ही नहीं पाता। उसको कम से कम चाहिए तो करीब करीब 60 से 70 पॉइंट चाहिए एक बैंक निफ्टी में कवर करने के लिए। अब 60 से 70 पॉइंट इम्पोसिबल ही नहीं है कि जब इतना उसको लॉस हो गया तो इम्पोसिबल ही नहीं कि वो इसको
कवर कर पाएगा और 60 से 70 पॉइंट ले पाएगा। तब भी कोशिश करता और ट्रेड पे ट्रेड लेते रहता और उसका वही जो ट्रेड 50 शो कर रहा होता वो 60 ट्रेड शो करने लगता और मार्केट क्लोज हो जाता। अब फ्रेंड्स उसका माइनस मान लिया कि 1600 रुपया शो कर रहा है पैनल पे, लेकिन आप सोच लीजिए कि 60 ट्रेड में अगर वो जियोधा पे करता तो 6×36 यानी फ्रेंड्स करीब 3600 रुपया उसका ब्रोकरेज लग चुका और इधर 1600 रुपया लॉस। यानी फ्रेंड्स उसके पास कैपिटल टोटल था 10,000 रुपया, उसमें से वो कैपिटल करीब 5 से 5,500 रुपया गवा दिया और सिर्फ एंड सिर्फ जब गवाया तो ये ओवर ट्रेडिंग के वजह से गवाया। अगर फ्रेंड्स उसका 1,000 रुपया प्रॉफिट था वहीं पे वो थम जाता, रुक जाता और ये एक दिन का मेहनत से नहीं होगा फ्रेंड्स, वहां रुकना बहुत ही जटिल काम है और ये बिना एक्सपीरियंस के इम्पॉसिबल है, चाहे आप कितना बड़ा कोर्स खरीद लीजिए ये इम्पॉसिबल है। जहां पे उसको 1,000 प्रॉफिट हो रहा था, 10,000 रुपया में लगाया था 1,000 रुपया, यानी एक दिन में 10% उसको रिटर्न मिल रहा था दोस्त। अब किसी भी मार्केट में चल जाइए, आप 10,000 रुपया लगाइए, वहां पे आपको 1,000 रुपया कमाना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसको 10% रिटर्न मिल रहा था, वहीं पे उसको थम जाना चाहिए था, वहीं पे उसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन मन है कि मानता नहीं, जी है कि मानता नहीं और फिर वो सेकंड ट्रेड भी लेता है जहां पे उसको 600 रुपया लॉस होता है और उसका कैपिटल बनता है 400 रुपया। लेकिन जो लालच उसके मन में था कि अब 1,000 रुपया आ जाएगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, फिर वो एंट्री मारता जहां पे उसका प्लस में 400 रुपया शो कर रहा था वहीं पे उसका माइनस में 800 रुपया शो होने लगता और इसी तरह से वो ट्रेड करता चला जाता। जब उसका माइनस में जाता फ्रेंड तो उस समय उसका साइकोलॉजी बिगड़ जाता नए नए ट्रेडर का, जैसे मेरे साथ भी होता था पहले और ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैं 5-6 हजार रुपया लॉस कर चुका था, मात्र 10,000 के कैपिटल में समझिए 6-6 हजार रुपया लॉस कर देता था। और एक दिन में पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, आपको ओवर ट्रेडिंग से एकदम बचना चाहिए। तो आखिर करना क्या चाहिए इसको हम आपसे शेयर कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप इस फील्ड में आ ही गए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आप मन ही बना लिए हैं तो एक दिन में संभव नहीं है, और एक दिन में आप चाहते हैं करोड़पति बनना तो वो भी संभव नहीं है। हाँ है, लेकिन 1 करोड़ प्रॉफिट करने के लिए आपको 10 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। 10 करोड़ रुपया आप मार्केट में लेके आइएगा तो इजी वे में आप 1 करोड़ रुपया कमा लीजिएगा। और अभी आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि लोग कमा भी रहे हैं। अब वो कमा रहे हैं ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज है, वो कमा रहे हैं इसलिए फ्रेंड्स कि उनके पास फंड है और क्या है तो उनके माइंड पे कंट्रोल है, दो ही चीज है दोस्त और कुछ नहीं। मार्केट उनके अपना खुद के माइंड पे कंट्रोल है कि जिस दिन लॉस करेंगे हम लॉस कम करेंगे और जिस दिन प्रॉफिट करेंगे हम प्रॉफिट ज्यादा करेंगे, यही माइंड पे वो गेम खेलते हैं और आज की डेट में वो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स कि दिन दिन भर में वो 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया को आपको स्क्रीनशॉट देंगे और लॉस को जब देंगे फ्रेंड्स तो वहां पे 2-3 लाख लॉस करते हैं। कैसे संभव है ये सब दोस्त? संभव है सिर्फ माइंड के कंट्रोल पे। अगर आपका माइंड आपके हाथ में कंट्रोल हो गया तो एक ना एक दिन आप सक्सेस हो ही जाइएगा। कैपिटल प्रोटेक्ट करना ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जब तक आप अपना कैपिटल को नहीं बचाइएगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप हमेशा लॉस करते रहिएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस मार्केट में आए हैं आपको वेलकम है, लेकिन फ्रेंड्स आप सबसे पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करें, अपना कैपिटल को बचाइए और इस सब आएगा एक्सपीरियंस से। तो इसीलिए एक लॉट में काम करें। आप दिन भर में आप एक डिसीजन ले लीजिए कि 4 ट्रेड करना, हम ज्यादा से ज्यादा 4 ट्रेड भी हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, 2 ट्रेड करना या 4 ट्रेड ही रख लीजिए, 4 ट्रेड करना और ज्यादा से ज्यादा मुझे लॉस करना है तो 1,000 रुपया करना और प्रॉफिट करना तो जितना प्रॉफिट हो जाए वो भगवान जितना दे देंगे हमें मिल जाएगा। बस ये डिसीजन लेकर के आप मार्केट में उतरिए दोस्तों और देखिए कि आप भी एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा जैसे लोग कमा रहे हैं पैसे धड़ल्ले से। तो आज का वीडियो यहीं तक, आए के वीडियो के लिए चैनल बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।